ये वाला वीडियो शायद आपको पूरा देखना चाहिए। ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोचने वाली बीमारी, जो कि ऑफिशियली तो बीमारी नहीं है पर वो एक बीमारी है। हाँ, मैं जानती हूँ काफ़ी दिनों से मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ वीडियोस नहीं बनाए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा कि मैंने वो वीडियोस क्यों नहीं बनाए। और मैं ये भी जानती हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों में मैं अपने थोड़े ट्रैवल के वीडियोस ज़्यादा बना रही थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब मैं मेंटल हेल्थ पे कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन को निकालने में बहुत टाइम लगता है। मैं सिर्फ गूगल नहीं करती, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, इसलिए इसमें हफ्ते लग जाते हैं। और अगर आप मुझे इस काम में सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाल फिलहाल आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओवरथिंकिंग की समस्या पे। ओवरथिंकिंग जो टॉपिक है, इस पे मुझे ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाने को कहा। इतना वीडियो रिक्वेस्ट डिप्रेशन के लिए भी नहीं थी, एंग्जाइटी के लिए भी नहीं थी, जितनी ओवरथिंकिंग के लिए थी। और इसलिए मैं आज का वीडियो लेकर आ गई हूँ। ओवरथिंकिंग एक इतना बड़ा टॉपिक है, अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में डालती तो वो 40 मिनट लंबा होता और तुम पूरा नहीं देखते। इसलिए मैंने 5 वीडियो बनाए हैं इस पर, एक सीरीज है और हर वीडियो में एक नया तरीका है ओवरथिंकिंग से लड़ने का। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी पहला तरीका, और अगर ये काम ना करें तो बाकी तरीके हैं। शुरू करें। हम सबके अंदर एक अंधेरा रहता है। ये अंधेरा हमें बार बार ढूंढ लेता है, हम कितनी भी कोशिश करें, इससे कितना भी दूर भागें, ये हमें ढूंढ लेता है। पर ये अंधेरा आता कहां से? हमसे, हमारे दिमाग से। पर एक सेकंड, दिमाग उतनी बुरी चीज भी नहीं है। दिमाग एक बहुत ही शानदार मशीन की तरह है, और इस मशीन का मेन काम था सोचना, यानी कि थिंकिंग। पर क्या होता है अगर कोई मशीन कुछ ज्यादा काम कर ले? हमारा दिमाग भी ज्यादा सोच लेने पर खराब हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि इस मशीन के सारे स्क्रू ढीले पड़ गए हैं। तो बड़े सारे फिलोसोफर्स और ज्ञानी लोगों ने सोचा कि इस ओवरथिंकिंग का क्या किया जाए, ये जो हमारे अंदर इतना अंधेरा है इसको निकाला कैसे जाए। पर इतनी सदियां बीत गई, उन्हें कभी कोई एक जवाब मिला ही नहीं, और इसीलिए हम आज भी शायद ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। पर फिर उनके दिमाग में एक चीज आई कि जब भी हम खाली बैठे होते हैं तभी ये अंधेरा हमें ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं से हम वापस इसकी जकड़ में आ जाते हैं। और इससे उनके दिमाग में आया एक बहुत ही खतरनाक आइडिया कि शायद इस ओवरथिंकिंग के अंधेरे को हटाने का एक ऑप्शन है बिजी रहना, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहो, चलते रहो, तैरते रहो, कुछ और नहीं तो साइकिलिंग कर लो, पर कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम खाली बैठोगे ये अंधेरा तुम्हें फिर से ढूंढ लेगा। पर उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि ये एक टेम्प्ररी सोल्यूशन है, ये कोई लंबा टिकने वाला तरीका नहीं है, क्योंकि जिंदगी में तुम चाहे कितने भी बिजी हो, एक ना एक मौका तो ऐसा आएगा ही जब तुम बैठोगे, और जब तुम बैठोगे ये ओवरथिंकिंग तुम्हें फिर से ढूंढ लेगी। पर ऐसा तभी होगा अगर तब तक तुमने इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढा है। हाँ, ओवरथिंकिंग का परमानेंट सोल्यूशन भी है, पर इसके सोल्यूशन इसके पहले सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतना सोचते ही क्यों हैं, मतलब जड़ से इसको उखाड़ते हैं ना। ये जो हमारी ब्रेन नाम की मशीन है, ये मशीन बड़ी कमाल की है, ये पूरे टाइम काम करती रहती है, और इसका मेन काम क्या है? सोचना। पर मजे की बात ये है कि ये पूरे टाइम सोचती नहीं है। इस मशीन में दो पार्ट है, एक पार्ट जो प्रैक्टिकल है, जो सोचता है, और दूसरा पार्ट जो इमोशनल है, जो महसूस करता है। इस पार्ट को तुम हार्ट या फिर दिल भी कहते हो। ये जो दिल वाला पार्ट है ना, ये बड़ा सेंसिटिव होता है और ये आसानी से टूट भी सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ ये जो तुम्हारा प्रैक्टिकल साइड ऑफ ब्रेन है, ये कोशिश करता है कि तुम्हारे दिल को कैसे संभाला जाए, टूटने से कैसे बचाया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिकल साइड है उसे सिर्फ एक चीज आती है, सोचना। तो वो इस एक चीज को लेकर निकल जाती है तुम्हारे दिल को बचाने, और इस कोशिश में वो बहुत ज्यादा सोच लेती है, और जब वो बहुत ज्यादा सोच लेती है तो हो जाता है बॉम्ब ब्लास्ट तुम्हारी ब्रेन के अंदर। और ये ब्लास्ट
थोड़ा ऐसा दिखता है, जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी समझ से टकराती हैं और बन जाते हैं बहुत सारे विचार ख्याल। और नहीं, ये दिखने में इतना सुंदर नहीं लगता क्योंकि असल में यहाँ बस अंधेरा होता है, और इस अंधेरे में तुम्हें तुम्हारे ख्याल अंदर और अंदर और अंदर और अंदर ले जाते हैं। पर इससे पहले कि तुम और अंदर खींचते चले जाओ, एक आइडिया है, पैटर्न ढूंढो। हमारे अंदर ये जो अंधेरा है, ये किसी बड़ी काली जगह से आता होगा, एक जगह जो शायद इस ब्रह्मांड जितनी काली है। और जैसे इस ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, इतने ग्रह हैं, हमारे दिमाग में भी तारे और ग्रह हैं, ख्यालों के तारे और भावनाओं के ग्रह। और ये तारे और ग्रह लगातार हम पे वार करते रहते हैं, एक के बाद एक हम पर आता रहता है। और फिर हमें इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि हम कोशिश करें अपने दिमाग को कंट्रोल करने की। और जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करने लगता। ठीक है, मतलब इतना ड्रामेटिक नहीं लगता वो, पर फिर भी कुछ ऐसा लगता है। हमारे सामने एक शानदार कॉफ़ी का कप पड़ा है, हम एक अच्छी सी जगह में बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हम उस जगह पे हैं ही नहीं, हम किसी और जगह पे हैं, एक बड़ी ही काली सी अंधेरे वाली जगह। पर अगली बार जब भी आप देखें कि आप उस ओवरथिंकिंग के जाल में जा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, वन लीड्स टू अनदर, यानी एक से निकलता है दूसरा। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ख्याल से दूसरा ख्याल निकलता है, और फिर दूसरे से तीसरे से चौथा। और ये मैं समझाऊंगी आपको एक कहानी से। कहानियां पसंद है, चलो सुनते हैं। ये है जॉन। जॉन बचपन से बहुत सोचा करता था, कहीं भी चलते वक्त वो सोचता था कि क्या उसे कोई देख रहा है, अगर उसे कोई देख रहा है तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या मुझे ऐसे चलना चाहिए, क्या मेरे हाथ वैसे चलनी चाहिए, मैं कैसे चलूं, कोई नहीं देख रहा, अच्छा कोई देख रहा है, मतलब बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में आते थे। और जब जॉन बड़ा हुआ तब भी उसकी ये ओवर थिंकिंग वाली आदत गई नहीं। जहां समस्या है नहीं वहां समस्या बनाने वाली प्रॉब्लम। कभी अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे टाइम पर रिप्लाई ना करे तो उसके मन में 100 सवाल दौड़ जाते थे कि क्या वो किसी और को पसंद करती है, क्या मैंने कुछ बुरा कर दिया, जबकि असल में उसकी गर्लफ्रेंड अभी ट्रेन में है और रिप्लाई नहीं कर सकती। पर इतने में उसके दिमाग में उसने काफ़ी सारी सिचुएशंस बना ली हैं और अब वो उनको सोच सोच के डर रहा है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब शायद हो सकता है आपका नाम जॉन ना हो और आपकी कहानी शायद थोड़ी डिफरेंट हो, पर असल में आपकी प्रॉब्लम भी यही है ना, ओवरथिंकिंग। उस पैटर्न में आता है फेज वन, सवाल खड़ा करने का। जॉन के केस में वो सवाल था, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अब पसंद नहीं करती। दूसरे पड़ाव में हम हमारे दिमाग में उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो यानी जॉन ये सोचेगा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद नहीं करती तभी वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। फिर आता है तीसरा पड़ाव जिसमें हमें एकदम से शॉक लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमने सोचा ही नहीं था। फिर चौथा पड़ाव जिसमें हम मान लेते हैं कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और पांचवा पड़ाव, ये वो पड़ाव है जहाँ पे हम चीज़ें महसूस करने लगते हैं, हमें बुरा लगने लगता है, हो सकता है इसमें हमें डर भी लगे, गुस्सा भी आए। फिर इसके बाद छठा पड़ाव, सातवां पड़ाव, और इस तरह एक के बाद एक ख्याल एक दूसरे से निकलता रहता है। पर असल में जब ये ओवरथिंकिंग हमारे साथ होता है तब हमें ऐसा नहीं लगता कि ये एक के बाद एक हो रहा है, तब हमें ऐसा लगता है कि हम बस इसमें कहीं अंदर फंसे जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे। पर असल में इस फ्लो को हम इस तरह दिखा सकते हैं, हमारे दिमाग में एक रैंडम ख्याल आता है और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि या तो हम उस ख्याल को भूल जाएं या फिर हम उसको छुएं, थोड़ा सा टच करके देखें। और जैसे ही हम टच करते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि या तो हम उसे वहां छोड़ें या उसमें और गहरा घुस जाएं। तो अधिकतर लोग इस थर्ड लेवल पे आने के बाद बुरी तरह फंस जाते हैं और फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। पर इससे बढ़िया हम ओवरथिंकिंग को पहली स्टेज पे ही रोक सकते हैं। हर बीमारी की तरह ओवरथिंकिंग की भी स्टेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पर जैसे ही आप देखें कि आप पहली स्टेज पे पहुंच गए हैं, वो रैंडम थॉट वाली स्टेज, अभी अभी एक ख्याल आया है, आप देखेंगे आप थोड़े उदास हो जाएंगे। और जैसे ही आप वो नोटिस करें, बाकी की स्टेजेस पे मत चढ़िए,
खुद को पहली स्टेज पे ही रोक लीजिए। इससे पहले कि आपका पूरा दिमाग ओवरथिंकिंग से भर जाए, एक दाने को भी हटा दीजिए। पहले थॉट पे रुकना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग को सोचने की आदत है तो वो कोशिश करेगा कि वो और सोचे, पर यहाँ आपको अपने पहले थॉट पे रुकना होगा। मुश्किल है, वक्त लग सकता है, पर थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। जब भी आपका दिमाग कोशिश करे कोई नया थॉट लाने की, आपको उसे चला के हटाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए बूंद बूंद से घड़ा बनता है, और एक फालतू थॉट से ओवरथिंकिंग चालू हो सकती है, तो हमें वो नहीं करना है। तो ये है पहला मेथड, वन लीड्स टू अनादर को फॉलो करते हुए पहली जगह पे ही खुद को रोकना। पर अगर ये मुश्किल लग रहा है तो चार और वीडियोस हैं जिनमें चार और रास्ते हैं, तो देखिएगा जरूर और सबसे शेयर करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता किसको इसकी जरूरत हो, क्योंकि आजकल ओवरथिंकिंग तो सब करते हैं और सबको एक समाधान भी चाहिए। और अगर आप बाकी के मेथड्स भी ट्राई करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही वो आए आपको पता चल जाए।